हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज है हमारे साथ यहाँ पे जीप कंपस का लेटेस्ट मॉडल, जीप कंपस लिमिटेड प्लस। ये टॉप एंड मॉडल है जो कि पेट्रोल एंड डीजल दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो इसके मेन पॉइंट जो कि आपको ख़रीदने से पहले जानने चाहिए और क्या क्या इसके अंदर खास आया है जो कि आपको ज़रूर जानना चाहिए, उसके लिए ये वीडियो आप आगे देखते रहना। जीप को लॉन्च हुए इंडिया के अंदर 1.5 साल के करीब हो चुका है और 1.5 साल के अंदर इंडिया के अंदर जीप इतना फेमस हो गया है, इतना फेमस हो गया कि आपको रोड पर जीप की गाड़ियाँ आराम से दिख जाती होंगी। जीप कंपस इंडिया के अंदर जीप की सबसे सक्सेसफुल कार रही और लास्ट ईयर जब जीप कंपस लॉन्च हुई थी उसके एग्जैक्टली 13 महीने के अंदर इन्होंने ये नया मॉडल इसका लॉन्च कराया और ये टॉप मॉडल है जिसको इन्होंने नाम दिया लिमिटेड प्लस, जिसके इसके अंदर उन्होंने बढ़िया बढ़िया फीचर्स दिए हैं जैसे कि पैनारोमिक सनरूफ और नए अलॉय व्हील्स और भी कुछ खास है, नई टच स्क्रीन है। ये सब आपको इस वीडियो के अंदर आगे पता चलेगा। It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. जीप के अंदर बैठते के साथ ही, इस नई जीप कंपस के अंदर बैठते के साथ ही सबसे बड़ा चेंज जो कि आप नोटिस करेंगे वो है इसका ये नया सनरूफ। और जीप के कस्टमर्स ऑलरेडी सनरूफ के लिए डिमांड कर रहे थे और जीप भी जानता था कि सनरूफ इसके अंदर आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली महंगी गाड़ी है तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि सनरूफ आ जाए। आजकल तो सनरूफ काफ़ी कॉमन हो रहा है गाड़ियों के अंदर, तो जीप ने कहा हम ऐसे काम नहीं करेंगे, हम करेंगे बढ़िया तरीके से, अपने हिसाब से देंगे सनरूफ। और जीप ने छोटा मोटा सनरूफ नहीं दिया, जीप ने कहा महंगी गाड़ी है, महंगा ब्रांड है, हम देंगे तुम्हें पूरा बड़ा पैनोरामिक सनरूफ। पैनोरामिक सनरूफ से ये फायदा है कि आगे वाले को भी मजा आएगा, पीछे वालों को भी मजा आएगा। हालांकि खुलता सिर्फ आगे वाला सनरूफ है ये बड़ा वाला, पीछे वाले सिर्फ कांच के बाहर ऐसे देख सकते हैं, अच्छा सा लगेगा बस वो है, बाकी अच्छा लग रहा है ये। और उसके बाद आप सबसे पहले आप जब इसके अंदर बैठेंगे तो उसके दूसरा बड़ा चेंज आपको नोटिस होगा वो है इसका ये नया 8.4 इंचेस का टच स्क्रीन जो कि अच्छा रिस्पॉन्सिव भी है। सो 8.4 इंचेस का होने की वजह से ये फायदा है कि इसने लगभग यहाँ पे डैशबोर्ड पे जगह ले ली और काफ़ी अच्छा लग रहा है उससे डैशबोर्ड भी। यहाँ पे उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम के बटन्स, यहाँ पे ट्यूनिंग के बटन्स हैं और यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स हैं आपके। प्लस एक फायदा है यहाँ पे ये स्क्रीन ऑफ का बटन है, आप इसको दबाएंगे तो स्क्रीन आपकी ऑफ हो जाएगी, स्क्रीन पर टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके नीचे नॉर्मल वही जीप के अंदर जो पहले से आता था, एक ऑक्स का पॉइंट, एक यूएसबी का पॉइंट, यूएसबी एक और बढ़ा देते वैसे क्या जा रहा था लेकिन ठीक है। और यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जर के लिए है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है जिसमें ज़्यादातर आप अपनी ये जीप की चाबी ही रखेंगे। और ये डीजल का टॉप मॉडल है तो इसके अंदर 6-स्पीड मैनुअल गेयर्स हैं, पेट्रोल के अंदर आपको ऑटोमेटिक वेरियंट भी मिलेगा। और यहाँ पर ये जीप की फेमस पार्किंग ब्रेक्स हैं जो कि बटन वाली हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे ESP ऑफ का बटन है, 2 बॉटल होल्डर्स, वही आर्मरेस्ट अच्छी क्वालिटी का, यूटिलिटी बॉक्स के अंदर स्पेस भी अच्छी है और आर्मरेस्ट बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का है। ऑब्वियसली जीप है तो क्वालिटी इज़ वेरी गुड। आप यहाँ पे टच करें, चाहे लेदर सीट्स को देखें, ये रेड स्टिचिंग देखें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। सो इस जीप के अंदर एक और अच्छी बात आपको मिलेगी, ऑब्वियसली महंगी गाड़ी है तो लेदर सीट कवर्स हैं अच्छे हैं, यहाँ पे डोर पे भी आपको लेदर की फिनिशिंग मिलेगी, साथ में ये रेड स्टिचिंग आपको दिखाई देगी क्योंकि काफ़ी अच्छा लुक दे रही है और वाइट लेदर सीट्स हैं यार, अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे एक नई चीज़ देखी है जीप के अंदर, ऑब्वियसली एक ये बटन्स तो होते ही हैं इसको अप डाउन करने के लिए मिरर्स को, यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन भी दे रखा है पैसेंजर सीट पर जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और नीचे ये बॉटल होल्डर्स हैं और ऊपर यहाँ पर भी आपको क्रोम का इस्तेमाल मिलेगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि यहाँ पर। और दोनों साइड ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों के पास वैनिटी मिरर्स हैं जो कि
एक अच्छा प्लस पॉइंट है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वही है, नॉर्मल आपकी लाइट्स हैं और यह आपकी डोर की लाइट्स हैं कि आप ऑफ कर सकते हैं या डोर पे रख सकते हैं, या वैसे ये लाइट्स का बटन है, लाइट्स यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आपके सनरूफ के कंट्रोल्स हैं जो कि आप यहाँ से अपने सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको दबाएंगे तो सनरूफ ऑन हो जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा और पूरा सनरूफ ऐसे बढ़िया तरीके से आप खोल सकते हैं। आगे वाला हिस्सा मैंने बताया, जैसे आगे वाला हिस्सा खुल सकता है, ये मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक सनरूफ अभी खुल सकती है, मैक्सिमम पॉइंट है। सो ऑब्वियसली जीप कंपस एयर यहाँ से अच्छा व्यू आएगा। एसयूवी के अंदर जब सनरूफ मिलता है ना तो अच्छा ही लगता है। सो जीप के नए फीचर्स जो कि इसके अंदर आए हैं, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये है इसका 8-way सीट एडजस्टर जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। ऑब्वियसली अब इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक उसके साथ आए, और लंबा सपोर्ट के साथ आता है ये। और जो दूसरी चीज़ आपको इसके अंदर अच्छी लगेगी वो आप इधर आइए, इधर देखिए, ये यहाँ पे आपको तीन बटन्स दिखाई दे रहे हैं, एस ये 1 और ये 2। इनका मतलब ये है आप इनके अंदर अपनी सीट की मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। आप अगर जैसे दो लोग हैं गाड़ी चलाने वाले, आप और आपके पापा, आप 1 पे अपना कर लीजिए, 2 पे पापा अपना कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, जैसे आप 1 दबाएंगे तो सीट आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, जैसे आप 2 दबाएंगे आपके पापा जैसे ही बैठेंगे तो सीट आपके पापा के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। सो आप इस हिसाब से कर सकते हैं, और वही बढ़िया क्वालिटी जीप की जो कि पहले चलती आ रही थी वही अभी भी है। यहाँ पे आपको आपके डोर के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक है, हर डोर के अंदर आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर्स और कुछ सामान रखने का सामान मिल जाता है, और यहाँ से आप अपने बाहर के जो मिरर्स हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। सो इस जीप कंपस के अंदर एक जो कि फ़ायदेमंद चीज़ है यार, ऑब्वियसली 25 लाख रुपये खर्च कर रहे हो तो आप चाहोगे कि साउंड भी अच्छी आनी चाहिए, आवाज़ अच्छी आनी चाहिए ना, बाहर से क्यों काम कराना, अंदर से ही कंपनी देनी चाहिए अच्छी। तो इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड चारों दरवाज़ों के अंदर स्पीकर्स मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो कि सबसे अच्छी बात है उसके वो है इसके जो कि ऊपर जो कि डैशबोर्ड के यहाँ पे पैनल है, यहाँ पे भी आपको कॉर्नर्स के अंदर 2 स्पीकर्स हैं और बीच में भी एक स्पीकर है, जिसका मतलब है कि 7 स्पीकर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। और उसके बाद तो यार आवाज़ अच्छी क्या बढ़िया ही आएगी, अच्छी आएगी। सो मज़े आ जाएंगे गाने चलाने में भी। इसमें सनरूफ मिल गई है, 8.4 इंच का टच स्क्रीन स्टीरियो मिल गया है जिसके अंदर आप वीडियो चला सकते हैं अब, और 7 स्पीकर्स हैं। पहाड़ों में चले जाओगे, गाने चला लोगे तो मज़े ही आ जाएंगे यार। अब तो ड्राइवर को थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा, बाकियों को मज़े आ जाएंगे। सो जीप को आप जैसे ही यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले आप फ्रंट में देखेंगे कि इसके जो स्टेयरिंग है उस पर कंट्रोल्स दे रखे हैं। इधर लेफ्ट साइड में आप कॉल्स एक्सेप्ट डिक्लाइन भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे वॉइस फंक्शंस भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे बीच में बटन है, ऊपर ये बटन्स हैं जिससे कि आप अपनी ये जो टच स्क्रीन है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साइड में यहाँ पे बटन्स की जगह पे ऐसे मतलब बटन्स का डिज़ाइन बना के खाली स्पेस दे रखा है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बाकी इस पर भी कुछ कर देते तो अच्छी बात है। और आप इसके यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसके अंदर आप देखेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ये भी बताएगा कि सर्विस कितने टाइम में ड्यू है। भाई देखो लेग स्पेस पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं यार, जीप कंपस के अंदर लेग स्पेस हमें तो ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे अच्छे से पैर वैर सब जा सकते हैं, 6 फीट तक के इंसान के सिस्टम ठीक है, यहाँ पे सही आएगा। यहाँ पे 2 AC वेंट्स हैं, ठीक है, AC वेंट्स हैं नॉर्मली जैसे गाड़ियों में होते हैं वैसे ही है। एक USB पोर्ट यहाँ पे है जिससे कि पीछे कोई बैठा हुआ भी चार्ज कर सकता है अपने, और सीट यहाँ पे पॉकेट्स दे रखे हैं जिसके अंदर आप कुछ सामान रख सकते हैं। तो भाई इसके अंदर काफी चौड़ा आर्मरेस्ट है, ये बीच में भी कुछ सामान रख सकते हैं, अपने फोन वगैरह को यहाँ पे ऐसे अटका सकते हैं। सो एक अच्छी बात है अगर 2 लोग बैठ रहे हैं तो। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट इसके अंदर अब ये हो गया है कि भाई सनरूफ के आने के बाद ना पीछे से भी मतलब ऐसा मजेदार लुक आ रहा है, पीछे से भी ऐसा लग रहा है कि वाह क्या बात है, ऊपर से लाइट आ रही है, और अगर आप हिल स्टेशन वगैरह पर चल रहे हो तो मजा ही आ जाएगा। चलाने वाला नहीं देख सकता बट बाकी तीनों जो बैठेंगे ना वो भाई साहब इधर का नजारा, उधर का नजारा, ऊपर का नजारा, हर जगह का नजारा देखेंगे, क्योंकि ये बढ़िया चीज है इसका। सो जब आपको आप इसको पीछे से देखोगे तो ऑब्वियसली पीछे से तो सेम ही है, वही डिज़ाइन है इसका पीछे से। यहाँ से आप बटन दबा के आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं, और सेम बूट है, बूट के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं।
सेम साइज़ का बूट है, काफ़ी बड़ा है वैसे, इसके अंदर आप सामान रख सकते हैं और इसको पुश करके यहाँ से आप इसका स्टेपनी जो की है वो निकाल सकते हैं। स्टेपनी इसका इस आर 16 इंच का है, स्टेपनी इज ऑफ 16 इंचेस। सो ये है, एंड जब आप इसको बंद करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकेंगे इसकी टेल लाइट्स, ये नॉर्मली जब आप गाड़ी ऑन करेंगे तो देखो ऐसे दिखाई देंगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो स्टिकर यहाँ पे लगा हुआ आने लग गया ना, ये देखो कितना बढ़िया है, इंडियाज मोस्ट लव्ड मोस्ट फॉलोड मोस्ट अवॉर्डेड SUV जीप, ये एक अच्छी चीज़ है जो कि इसमें ये लोग देने लग गए हैं। और ऑब्वियसली जीप का टॉप मॉडल है तो ऊपर इसके अंदर ड्यूअल टोन कलर आपको मिलेगा। तो साइड से जब आप इस जीप कंपास को देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको चेंजेस नोटिस होंगे, क्योंकि यार ये जो इन्होंने दे दिए ना, इतने बढ़िया दिखने वाले 18 इंच के अलॉय व्हील्स, 18 इंच के जो कि आपको सिर्फ लिमिटेड प्लस के अंदर मिलेंगे, 18 इंच के अलॉय व्हील्स। और चारों टायर्स के अंदर इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स हैं, ठीक है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो कि है वो 178 mm की बताई गई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ये जो कि है आगे वाला हिस्सा ये नीचे तक जा रहा है, तो यहाँ से जब मेजर हुई तो 178 mm आपको पता चलेगी। और अगर आप बीच में से देखेंगे तो बीच में आपको 205 या 208 mm के अराउंड मिलेगी। सो ये जीप कंपास साइड से दिखने में वैसे सेम है, बट ये अलॉयज इसका लुक जो कि है पहले से काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। 18 इंच के हैं यार, मजाक की बात थोड़ी ना है, पहले 17 इंच के आते थे, अब 18 इंच के आते हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आपको पूरे पे क्रोम मिलेगा जो कि सिर्फ इस लिमिटेड प्लस मॉडल के अंदर है, बाकी ये पूरी गाड़ी पे क्रोम का इस्तेमाल तो पहले से ही है और इतनी महंगी गाड़ी है, क्रोम होना भी चाहिए। सो इस न्यू जीप कंपास के अंदर आपको जो कि बाहर से जो कि फीचर्स आपको पता चलेंगे नए वाले वो ये हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं और इसके अंदर रेन सेंसिंग वाइपर्स आए हैं नए, और आपको पता है जब जीप है तो 7-स्लॉट ग्रिल आपको सामने मिलेगा। साथ ही साथ आप इसको सामने से देखेंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक साइडों में हर जगह इन्होंने क्रोम का यूज़ करा है। यार ऑब्वियसली महंगी गाड़ी है, 25 लाख रुपए की गाड़ी है तो दिखनी चाहिए सामने से अच्छी है और महंगी है, वो आपको सामने से देखते के साथ ही पता चलेगी। बिल्ड क्वालिटी ऑफ ऑब्वियसली जीप पहले से ही अच्छी रहती है, इसके वाइपर से लेकर आप इसकी पूरी गाड़ी पे और अंदर इसके सीट कवर से लेकर किसी भी चीज़ में आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीप कंपास है। सो जीप ने अपनी तरफ से बेस्ट कर रखा है इसके अंदर, जितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं वो आपके एक तरह से वर्थ हैं। और जीप के जो कि टॉप मॉडल है डीजल का, उसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि आपको आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, 4x2 मैनुअल या फिर 4x4 मैनुअल। जो 4x4 वेरिएंट है ऑब्वियसली जीप के सिर्फ डीजल वेरिएंट के अंदर है, और डीजल जो कि है जीप कंपास का वो मैनुअल ही है। पेट्रोल जो कि है ऑटोमेटिक के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन पर उसके अंदर 4x4 आपको नहीं मिल रहा है। इसकी प्राइसिंग की लिस्ट अभी मैं आपके आगे डिस्प्ले कर दूंगा, आप उसको देख लेना। इस गाड़ी के अंदर आपको 2 लीटर का मल्टी जेट टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो कि 173 PS की पावर जनरेट करता है, और पावर काफ़ी अच्छी है। ऑब्वियसली जब 13 महीने से गाड़ी चल रही है तो आपको पता ही है जीप ने कितनी तारीफें ली हैं इस कंट्री के अंदर, पावर अच्छी है। इसका जो कि टॉर्क है वो है 350 Nm का, सो ऑब्वियसली गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। और 4x4 में जब आप इसको यूज़ करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कैसी है कैसी नहीं है। भाई हमने तो यूज़ नहीं करी, बट जो कि मैंने रिव्यूज़ देखे हैं वो काफ़ी अच्छा ही बताते हैं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। जीप कंपास के रिलेटेड कोई भी एक्सेसरीज़ हैं जो कि मेरे को ऑनलाइन मिलेंगे, जो कि आप ऑर्डर कर सकते हैं या देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। एंड सेकंड थिंग, आपको अगर कोई भी गाड़ी का रिव्यू देखना है या फिर आप चाहते हैं मैं बनाऊं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं उसके लिए कोशिश करूंगा बनाने की। एंड इसकी अगर ड्राइव की वीडियो हो पाएगी तो ड्राइव की वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। एंड सेकंड थिंग, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना भाई, देसी मोटर हेड आईडी का नाम है, सेम नाम है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं फिर भी डाल दूंगा। एंड वन मोर थिंग, अगर जीप कंपास की ये कंटेंट की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, जीप कंपास के लिए यार एक लाइक तो बनता है। एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, ओबे ट्रैफिक रूल्स एंड अपना ध्यान रखना, सीट बेल्ट जरूर पहनना। टेक केयर, बाय बाय।